नहीं रही ग्रही परिहरी सील सने बचन मोर तजी रही ग्रही। आज मेरा बेटा राम मेरी आज्ञा का पालन न करे, मेरी अवज्ञा कर दे और वो बन न जाए, वो अवध में ही रहे, घर में ही रहे। वचन मोरी तज रही ग्रही। आज वह सील संकोच का त्याग कर दे भगवान शंकर, मेरी ये प्रार्थना है आपसे। अच्छा, जितने भी पिता हैं वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा एक बार मेरी बात मान ले, मानता नहीं है, यही परेशानी है। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस मेरे बेटे की मति ऐसी कर दो कि वो मेरी एक ही बार बात मान ले जिंदगी में, बस यही मैं चाहता हूं। क्यों भाई, हर पिता यही प्रार्थना करता है कि मेरा बेटा आज्ञाकारी हो, मेरी बात माने। ऐसा पिता संसार में कौन है जो भगवान से ये प्रार्थना करे कि मेरा बेटा मेरी बात ना माने, ऐसी मति कर दो मेरी बेटी की। ऐसे पिता मुझे लगता है कि महाराज दशरथ ही है जो कह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि रामचरितमानस के दोहे का प्रमाण दे रहा हूं। रामचरितमानस के दोहे का प्रमाण है, और साधारण पिता नहीं। अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ वेद विदित तहीं दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मति सारंग पानी वेदो दशरथो नृपा। साक्षात वेद स्वरूप है महाराज दशरथ। लेकिन आज इतना परम ज्ञानी पिता भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि बचन मोर तज रही ग्रही परिहर सील सने। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी आत्मवेदना है। बोलो, है आत्मवेदना कि नहीं? कि मेरी बात मेरा बेटा राम ना माने। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसी ही मति में कर दूंगा, लेकिन आपका लोक परलोक बिगड़ जाएगा। अगर राम बन जाते हैं तो आपके सत्य धर्म का पालन होगा, आपकी कुल रीति जो चली आई है उस कुल रीति की मर्यादा सुरक्षित रहेगी अगर राम बन जाते हैं। और यदि आप मोह के कारण राम को अयोध्या में रखते हैं तो निश्चित रूप से कुल धर्म चला जाएगा और आप अपयश के पात्र बनेंगे, लोक परलोक में आपकी अपकीर्ति होगी, लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। अब आप निर्णय लें कि आपको लोक परलोक की चिंता है, कुल धर्म की चिंता है, कि राम की चिंता है, बेटे की चिंता है, ये आप बताइए। अच्छा, ये बात कह कौन रहे हैं? भगवान शंकर। किससे कह रहे हैं? भगवान राम के पिता से, महाराज श्री दशरथ से। अब क्या डिसीजन निकल के आता है, हमें इस पर विचार करना है। राम कीन चाहे सोई होई, भगवान की इच्छा से राम जी का वनवास हुआ। बोलो, राम जी की इच्छा से ही राम जी का वनवास हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? भगवान स्वयं इच्छुक हैं कि मैं बन जाऊं, इसलिए सरस्वती जी को भी प्रेरित किया, तभी सरस्वती जी ने यह कार्य किया। केकई जी भी श्री राम जी की इच्छा के अनुसार काम कर रही हैं। अब महाराज श्री दशरथ यदि राम को रोकते हैं कि राम बन ना जाओ, और यदि राम जी मना करने के बाद जाते हैं बन, तो ईमानदारी से बताओ, राम जी को शायद ये अपयश न मिल जाए कि आप पिता की आज्ञा का पालन नहीं किए। जबकि भगवान राम मात्र पितृ भक्त हैं। बोलो, हैं कि नहीं? मात्र पितृ भक्त हैं। जैसे श्रवण कुमार मात्र पितृ भक्त है, तो श्रवण कुमार अगर मात्र पितृ भक्त है प्यारे, तो भगवान राम की तो दो विशेषताएं हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और महान मात्र पितृ भक्त भी हैं और गुरु भक्त भी हैं। माता पिता का इतना बड़ा भक्त कौन होगा संसार में प्यारे?
लेकिन विचारवान श्रोताओं, विचार करना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया समाधान दूंगा। अगर पिता को रोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं और पिता बार बार रोक रहा है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो निश्चित है कि पितृ भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और वो पितृ भक्ति का प्रश्न चिन्ह ग्रंथों में अंकित हो जाएगा। होगा ग्रंथों में अंकित कि नहीं? अगर आपकी FIR रजिस्टर्ड हो गई तो बोलो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? उस पर होगी कार्रवाई निश्चित रूप से, और फिर वो रिकॉर्ड बनेगा, फिर कभी ना कभी देखा जाएगा। अमुक संघ का जरा रिकॉर्ड निकालो, इनका क्या है, निकालो रिकॉर्ड, क्या है इनका रिकॉर्ड, ये कितनी बड़ी बड़ी सफाइयां दे रहे हैं, फलानी बात ये है वो है, मैंने ये किया मैंने वो किया, जरा इनका रिकॉर्ड निकालो अमुक संघ का, इनका रिकॉर्ड क्या रहा, बोलो भाई। ये ग्रंथ जो है रिकॉर्ड है, बोलो है, ऋषि मुनि महात्माओं का रिकॉर्ड पढ़िए, अवतारवाद जितने भी अवतार हुए उनका रिकॉर्ड देखिए, बोलो भाई, देवताओं का रिकॉर्ड देखिए, ये ग्रंथों में सबके रिकॉर्ड हैं कि नहीं? किसका कैसा रिकॉर्ड है, ब्रह्मा जी का क्या रिकॉर्ड है, विष्णु का क्या रिकॉर्ड है, भगवान शंकर का क्या रिकॉर्ड है, ऋषि मुनि महात्माओं का क्या रिकॉर्ड है, देवताओं का क्या रिकॉर्ड है, इंद्र का क्या रिकॉर्ड है, कुबेर का क्या रिकॉर्ड है, सबके रिकॉर्ड शास्त्रों में मिलते हैं, और बोलो उन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर आप उनके प्रति समर्पण करते हो कि नहीं करते हो, जल्दी बोलिए। रिकॉर्ड के आधार पर ही समर्पण होता है, तो क्या भगवान श्री राम के इस रिकॉर्ड में प्रश्न चिन्ह लगेगा आज कि अपने पिता की अवज्ञा करके प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ के चले गए, भले ही मन था कि मुझे बन जाना है, लेकिन फिर भी आप अपने मन का काम करना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा में आपको माँ बाप के मन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बोलो रखना पड़ेगा कि नहीं? आप भले ही अपने मन का काम करना चाहते हैं, लेकिन लोक मर्यादा ये कहती है कि माता पिता के मन का भी ध्यान रखिए कि माँ बाप का क्या मन है। भगवान की परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान यथारथ। प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी के इस ग्रंथ की मर्यादा देखें कि आज भगवान राम भी धर्म संकट में आ गए और भोले बाबा भी धर्म संकट में आ गए। प्रभु राम बार बार कह रहे हैं भोले बाबा से कि आप मेरे पिताजी को समझाइए, आप मेरे पिताजी के विचारों में परिवर्तन लाइए और मेरे पिताजी मुझे अयोध्या में न रोकें, बल्कि बन जाने के लिए स्वयं आदेशित करें, ऐसा मन आप बनाइए। शंकर जी बोले गजब हो गया प्रभु, इससे अच्छा तो आते ही नहीं कैलाश पर्वत से, सो ठीक ही थे, लेकिन आ गए, हमने ये सोचा कि आपके पिताजी बुला रहे हैं, इस भाव को मान करके हम कैलाश का शिखर छोड़ के अयोध्या आ गए। हमारी पत्नी ने रोका था, पार्वती जी ने रोका था कि मत जाओ मत जाओ, इस समय अयोध्या की स्थिति अति संवेदनशील है, जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम नहीं माने और चले आए, और अब ये संकट में हम फंस रहे हैं धर्म संकट में कि करें तो क्या करें। आप भी आदेशित कर रहे हैं बार बार कि मेरे पिताजी की ऐसी मति करिए कि वो अपने मुख से कहें कि राम बन जाओ, स्वीकृति मिलना चाहिए, और साथ ही साथ केवल पिता की ही नहीं, माँ, वैसे मैं सगी सौतेली माँ में अंतर नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं सगी माँ की भी स्वीकृति चाहता हूं। सगी माँ कौशल्या जिसने मुझे जन्म दिया है, उस माँ की भी स्वीकृति चाहता हूं, प्रमाणित स्वीकृति, इसमें तुलसीदास जी लिखें कि हाँ स्वीकृति मिली, आज्ञा मिली, तब ऐसे नहीं कि मौखिक मौखिक बात हो जाए, प्रमाण मिलना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ आपके द्वारा रचित, बोलो ये रामचरितमानस ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, हृदय में हृदयस्थ हुआ है सबसे पहले ये ग्रंथ भगवान शिव के, रच महेश निज मानस राखा, पाए सु समय शिवासन भाखा, भगवान शिव के हृदय में हृदयस्थ हुआ है ये मानस, पहला अधिकार रामचरितमानस, मैं कहता हूं राम के चरित्र को आंखों से देखा है भगवान शिव ने,
और देखा है वही चरित्र हृदयस्थ किया है। ये नहीं कि सुना है, तुलसीदास जी ने तो सुना है, बोलो भाई सुना है कि नहीं, लेकिन भगवान शिव ने तो देखा है, सुना नहीं है, आंखों से देखा है और देखा है वही हृदय में हृदयस्थ किया है। ये मूल रिकॉर्ड भगवान शिव के पास है। इसलिए आप हम में अब धर्म संकट से उबारिए, भगवान शंकर ने कहा आपको हम धर्म संकट से उबारे और हम फंसे धर्म संकट में, तो आप भी तो हमको उबारो, हम आपको उबारे तो आप हमें उबारो, ऐसा समझौता हो जाए कि दोनों मिलकर के काम करें, दोनों मिलकर काम करें। तो भगवान शंकर ने कहा एक काम किया जाए, क्या बाहर से हम समझाएंगे अंदर से आप समझाओ, और प्रेरक रघुवंश विभूषण एक बात बताएं भैया, बाहर से अगर राम जी समझाते तो पुत्र की भूमिका में, और अंदर से समझाएंगे तो परमात्मा की भूमिका में रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो पुत्र पिता को समझाए और ऐसे पिता को समझाए जो वेद विदितते हैं दशरथ नाऊ, तो सारी दुनिया कहेगी जमाना तो त्रेतई में बदल गया कि बेटा बाप को समझाता है। ये कलयुग में नहीं, त्रेतई में जमाना बदल गया था। बोलो टिप्पणी करते लोग कि नहीं करते, पता नहीं ना जाने कितने प्रकार की टिप्पणियां करते, वैसे तो करते ही हैं लोग टिप्पणी। इसलिए मर्यादा मेरे नाम के पहले जुड़ी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्यों यही आप कहते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा खंडित ना होने पावे, ये मर्यादा सुरक्षित रहे, इसके लिए मेरी प्रार्थना है आपसे। भगवान शंकर ने कहा मेरी भी प्रार्थना है आपसे, बाहर से मैं काम करूंगा अंदर से आप, मैं पूरी तरह से एन किन प्रकार समझाऊंगा महाराज को, लेकिन अंदर से जब तक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई समझने वाला नहीं। क्यों भाई, हृदय बात समझ में आए वो बाहर से खूब समझाओ लेकिन हृदय स्वीकार